आजमात उस अन्नदाता की जो हमेशा से सियासत का केंद्र रहा, लेकिन सुविधाओं के मामले में उसे हमेशा हाशिए पर ही रखा गया। एक बार फिर किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे किसान पीछे हट जाएं। पुलिसकर्मी टियर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसानों का हौसला तोड़ा जा सके, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। जी हाँ, किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ एक बार फिर विरोध शुरू कर दिया है। कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान आज यानी 26 नवंबर को दिल्ली चलो के आह्वान के साथ ही राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर चुके हैं। यह प्रदर्शन कल यानी 27 नवंबर तक चलेगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन की योजना पर मोहर लगाते हुए बताया कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह लुधियाना और कुरुक्षेत्र समेत कई अन्य जगहों से एक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली पहुंचने में जहां कहीं भी पुलिस उन्हें रोकेगी, उनका प्रदर्शन वहीं शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख किसान तो अकेले पंजाब से ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, यूपी और दूसरी जगहों से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वही किसानों के विद्रोह को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की भारी टीम सिंधु बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है, जो वहां पहुंच रहे किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ साथ CISF के जवान भी शामिल हैं, जो वहां से गुजर रही हर गाड़ी पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि अपने साथ नाइंसाफी महसूस कर रहे किसान इन सभी पाबंदियों को पीछे छोड़कर सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर किसानों के इस घमासान पर सरकार क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।